हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेदांतिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th, जहां पे हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और अभी हम क्लास 12th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 1.39 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। ये हमें पता है एयर में बहुत सारी गैसेज है, मोस्टली कौन सी होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। The major components are oxygen and nitrogen, ठीक है, with approximately oxygen तो 20% है, nitrogen का percentage है 79% by volume at this temperature, which is room temperature. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atmosphere. मतलब आपको दे रखा है कि आपके पास अगर एक बीकर में water है, मैं एक बीकर मान लेती हूँ, तो वो एयर से किस वॉट किस इक्विलिब्रियम पे है, 10 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे इक्विलिब्रियम पे है। एट 298 केल्विन इफ द हेनरी लॉ कांस्टेंट्स फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर दिस रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर। ठीक है, तो हमें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैसे आपके पास एक बीकर है, उसमें पानी है, ठीक है। अगर बीकर में पानी है और ऊपर क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पे पानी है, इस बीकर में पानी है, ऊपर आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की गैसेस कुछ कुछ तो डिसॉल्व होंगी ना पानी में, तो पानी में जो जो गैसेस डिसॉल्व हो रही हैं उसका इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या है बच्चा, दे रखा है आपको 10 एटमॉस्फेयर पे, उसका इक्विलिब्रियम प्रेशर है दे रखा है आपको, ठीक है। अब आपसे ये भी बताया गया कि जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के, वो भी बता रखे हैं आपको, और ये बता रखा है कि इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है, इक्विलिब्रियम प्रेशर विद वाटर, मतलब वाटर और एयर क्या, और ये एयर जब थोड़ी थोड़ी तो मिक्स होगी पानी में, है ना, अब मिक्स होके क्या होता है, इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम प्रेशर है उसका 10 एटमॉस्फेयर। इस 10 एटमॉस्फेयर में दोनों तरीके की गैसेस मौजूद हैं, जो कि है आपकी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। 10 एटमॉस्फेयर है टोटल प्रेशर, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, टोटल। क्वेश्चन समझना जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन तो बेसिक मैथ्स यूज करनी है, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन का क्या निकाल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर, हमें पता है कि 20% ऑक्सीजन, 20% का मतलब क्या, 20/100 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 10 एटमॉस्फेयर का भी 20% ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना, अगर पूरे एटमॉस्फेयर में 20% है तो 10 एटमॉस्फेयर का भी 20% क्या होगा, 10 एटीएम का 20% भी आपका क्या होगा बच्चा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, जिससे आपका पार्शियल प्रेशर आ जाता है कितना, 2 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर को हम कन्वर्ट कर देते हैं मिलीमीटर एचजी में, तो 2 एटमॉस्फेयर को मिलीमीटर एचजी में कन्वर्ट करना, तो 760 से मल्टीप्लाई करूंगी 760 मिलीमीटर एचजी, तो जिससे मेरा आंसर आएगा 1520 मिलीमीटर एचजी। ये क्या आ गया आपका, पार्शियल प्रेशर आ गया किसका, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है, आप सिमिलरली इसी तरीके से आप पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, आपको पता है वो 79% एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, 79%। अब 10 एटीएम का भी 79% कॉम्पोजिशन क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, तो यहाँ पे इंटू 10 कर देती हूँ, जिससे आपका आंसर कितना आता है, 7.9 एटीएम। इसको कन्वर्ट कर देती हूँ मैं मिलीमीटर एचजी में, तो क्या आ जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ जाएगा मेरा 7.9 × 7 है यहाँ पे × 760 मिलीमीटर एचजी, तो जिससे मेरा आंसर आता है इसका 6004 मिलीमीटर एचजी। ये किसका पार्शियल प्रेशर आ गया, नाइट्रोजन का। अब दोनों के हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स आ चुके हैं, दोबारा से क्वेश्चन समझना, एक बीकर में पानी है, इस पानी में थोड़ी थोड़ी नाइट्रोजन और थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है, क्या हो रही है, और इनका जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो कितना है, 10 एटमॉस्फेयर, दो थोड़ी थोड़ी नाइट्रोजन और थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है और बाहर भी जाएगी, डिसॉल्व हो रही है बाहर जाएगी, इक्विलिब्रियम क्या होता है उसका, 10 एटीएम पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तो बच्चा हेनरीज लॉ यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, हेनरीज लॉ, हेनरी ने क्या बताया था, हेनरीज लॉ यहाँ पे लगता है इस कंडीशन में, हेनरीज लॉ उस कंडीशन में लगता है जब हम किसी भी लिक्विड में क्या मिक्स करें, गैस,
क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लिक्विड में गैस मिक्स कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ हेनरीज लॉ लगेगा। हेनरी ने बताया था, हेनरी ने एक रिलेशनशिप दी थी कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का, क्या पार्शियल प्रेशर, अगर यहाँ पे N2 का जो भी पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है, जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्व हुआ है लिक्विड में, जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्व हुआ है आपका किसमें, इन लिक्विड, इसके मतलब जो ऊपर उसका, जो दोबारा से एक बार डायग्राम से समझिए कि ऊपर यहाँ पे जिस गैस का जितना पार्शियल प्रेशर है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पे कितना होगा, जितनी गैस का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे डिजोल्व होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर ज्यादा गैस पानी में डिजोल्व हो गई तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, और कम गैस पानी में डिजोल्व होती है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी गैस की लिक्विड में, जो कि हमें पता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, दोबारा से बताती हूँ, ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हटाने के लिए हम एक हेनरीज कॉन्स्टेंट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कॉन्स्टेंट के एच इनटू योर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो कि डिसॉल्व हुई है पानी में। समझ गए, यही फंडा यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी तक हमने क्या निकाला, अभी तक हमने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया है, किसका, ऑक्सीजन का भी निकाल लिया है और नाइट्रोजन का भी निकाल लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप केवल हेनरीज लॉ में सारी वैल्यूज पुट करनी, क्योंकि हमें हेनरीज कांस्टेंट दोनों के दिए हुए हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है हमें रिस्पेक्टिवली, ये इतना है और ये इतना है, बस ये वैल्यूज पुट कर देनी है। अप्लाइंग हेनरीज लॉ यहाँ पे लिख देती हूँ, अप्लाइंग हेनरीज लॉ। देखो क्वेश्चन समझना जरूरी है, बाकी तो सिंपल मैथ्स है। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है किसका बच्चा, ऑक्सीजन का, किसके इक्वल होता है, इसके KH किसका, हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो भी O2 का है उसके इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। सिमिलरली अब आपसे यही पूछा गया है, क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इन वॉटर। मैंने क्या बोला, ये क्या है, उसका कॉम्पोजिशन बताएगा किसमें, वॉटर में, यही हमें कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देती हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आया था मेरे पास 1520 मिलीमीटर HG, KHO2 मुझे दे रखा है 3.30 × 10⁻⁷ इंटू योर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो इससे मोल फ्रैक्शन O2 का कितना आ जाता है, मोल फ्रैक्शन आ जाता है 4.61 × 10⁻⁵। सिमिलरली मैं मोल फ्रैक्शन किसका निकाल सकती हूँ, नाइट्रोजन का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल होती है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो डिसॉल्व हुई है पानी में। ठीक है, तो अब पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का मैंने निकाला था, कितना आया था मेरा 6004 KHN2 मुझे दे रखा है जो कि है 6.51 × 10⁻⁷। ये सब मिलीमीटर HG में दे रखे हैं इनटू योर पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो इससे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाता है, जो कि डिसॉल्व हुआ है किसमें, पानी में। कितनी नाइट्रोजन डिसॉल्व हुई है पानी में, आ गई मेरी कितनी 9.22 × 10⁻⁵। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन दोबारा से समझ लो कि मेरे पास एक बीकर है, उसमें पानी है, पानी के ऊपर क्या, एटमोस्फेयर। अब एटमोस्फेयर में जितनी परसेंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उतना ही वो प्रेशर किस पे डाल पाती है, पानी के अंदर, उतना ही डिसॉल्व होंगी, है ना। जितनी ऊपर गैस है उतनी ही, अगर नाइट्रोजन ज्यादा है, अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है बच्चा, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर भी लगाएगी और ज्यादा डिसॉल्व भी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन होती है 4.61 और ये होती है 9.22, मतलब कि ज्यादा डिसॉल्व कौन सी हो रही है आपकी, नाइट्रोजन, जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि उसकी मात्रा भी ज्यादा थी। मात्रा ज्यादा होगी तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो पानी में डिसॉल्व होगी। और ये रिलेशनशिप कि एक लिक्विड में गैस किस तरीके से डिसॉल्व होती है, किसने लॉ दिया था हेनरीज लॉ। आपको इन क्वेश्चंस में यही पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ गए, गैस में लिक्विड डिसॉल्व हो रही है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए हेनरीज लॉ. क्या आ जाना चाहिए? हेनरीज लॉ. वही हमने सीखा. नेक्स्ट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.